चली गई, नजर नहीं आ रही है आपकी वजह से तो हवा रखना है और आप ही नजर नहीं आ रही है। बाप हाँ, एक्चुअली हुआ ये है कि हप्पू सिंह ने कमिश्नर साहब की जान नहीं बचाई, कमिश्नर साहब की जान मैंने बचाई, इसलिए हप्पू सिंह के सितारे नोच लिए जाते हैं और मुझे उनके पद पर नियुक्त किया जाता है कमिश्नर साहब द्वारा। और इसीलिए मैं बहुत ही सख्त और बहुत ही मतलब ईमानदार और निष्ठा वाली पुलिस ऑफिसर बनकर मॉडर्न कॉलोनी कानपुर में घूम रही हूँ और गुंडे बदमाशों को पकड़ रही हूँ। और तिवारी जी गुंडा बन के आ जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ जेल में बैठे रहेंगे और भाभी जी को निहारेंगे तो बड़ा अच्छा वक्त गुजरेगा, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वहाँ उनको सिर्फ आराम से बैठने के लिए हवालात में बंद नहीं किया गया है, मैं उनको थर्ड डिग्री टॉर्चर देने वाली हूँ। इतना देखते ही वो अपनी असलियत पे आ जाते हैं और मैं उनको बोलती हूँ ठीक है अब भागो यहाँ से। हम आपको छेड़ने का नाटक कर रहे थे, आप चाहे तो वो कौन करने आओ, सुनीता से पूछ लीजिए भाभी जी। मुजरिम मुजरिम होता है आपको थर्ड डिग्री दिया जाएगा। भाभी हम कह रहे थे हम नाटक कर रहे थे। एक सेकंड मैडम लेट आए, चलो लेट आओ। अरे क्यों कर रहे थे आप नाटक? वो इसलिए भाभी जी ताकि आपकी तरक्की हो और सरकार की नजर में आपका ट्रैक रिकॉर्ड और भी अच्छा हो। मुझे ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा करने के लिए झूठ का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर अनीता मिश्रा अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाती है, अपनी देश और अपनी शहर की भलाई के लिए ड्यूटी करती है, ना कि अपना ट्रैक रिकॉर्ड ठीक करने के लिए। अभी भाई आप हरकत अब दोबारा मत कीजिए, चलिए गेट लॉस्ट। तिवारी जी कभी भेस में बदले हुए नजर आए और किस चीज की सजा उन्हें देने के लिए जेल में लाए? तिवारी जी एक्चुअली झूठ मूठ में एक लड़की है सुनीता, उससे साठ गांठ करके वो बेसिकली छेड़ने की कोशिश कर रहे थे, छेड़ रहे थे। और इतने में मैं पूरा प्लान था ये ताकि मैं उनको देखूं और मैं उनको हवालात में अंदर बंद कर दूं, लेकिन जैसे ही उन्होंने थर्ड डिग्री टॉर्चर की बात सुनी उन्होंने अपनी दाढ़ी वाड़ी मूछ निकाल के बोला कि भाभी जी हम हैं। वैसे सौम्या को कितना मजा आया पुलिस वाले के रूप में ये सीन करना? अभी तो पुलिस गेटअप काफ़ी वक्त हो गया, मतलब हम तीन चार दिन से ही कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। और मैंने कभी ऐसा पुलिस वाले गेटअप का रोल नहीं किया था तो मैं मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है हमारा। और मज़ा इस बात में आ रहा है कि इसे स्टोरी बड़ी फ़नी है, उसमें विभू डाकू बना हुआ है, मैं पुलिस बनी हुई हूँ, तो वो डाकू और मैं पुलिस, तो पूरी वो शशि कपूर और अमिताभ बच्चन की दीवार का ट्रैक चल रहा है, मियाँ बीवी और पुलिस और डाकू, तो इतना सुपर हैमिंग फिल्मी और निहायत ही फ़नी ट्रैक है, बहुत मज़ा आ रहा है। और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है सख्त पुलिस ऑफिसर बनकर सबकी धुलाई करने में, और ख़ास करके हप्पू सिंह की मैंने बैंड बजा रखी है। हप्पू सिंह के पान जबाने, वो जो बालों के घुंघरू छल्ले बनाना, तिरछी टोपी रखना, मैंने उनकी बिल्कुल हवा टाइट कर दी है। तो हप्पू सिंह अभी हाफ पैंट हवलदार बनकर पीछे जो है मेरी डांट खाए जा रहे हैं रोज़।